guys, welcome back to my channel. This side Winkle. Hope you are doing well and you are watching Explorers. Hey guys, welcome back to another YouTube video. जो आज की guys video है, पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ, आज मेरा last exam है, तो exam मैं देके आ चुका हूँ. तो सुबह सुबह 4 बजे गया था, तो तब vlog करने का time मिला नहीं और थोड़ा सा पढ़ना वगैरह था, इसलिए जो आज मेरा एग्ज़ाम था वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था. लाइक आज मेरा जो एग्ज़ाम था वो MCQs वाला एग्ज़ाम था. उसमें MCQs आने थे, 50 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से हमें सारे करने थे. 2 मार्क्स ईच था, 100 मार्क्स का पेपर था. और इस सब्जेक्ट में मेरा एक हर्डल भी था कि मुझे असाइनमेंट्स में और पेपर में 50% मार्क्स लेने हैं. तो ये था क्राइटेरिया. पेपर हम दे आए हैं, अब हम फ्री हैं. आज से लेके अब 26 फरवरी तक हम फुल टाइम काम कर सकते हैं. लाइक फुल 40 आवर्स, एक वीक में 40 आवर्स हम काम कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो ये एक तो गुड न्यूज़ होगी मेरे लिए. बाकी अब काम मिल जाएगा तो हम 40 आवर्स पूरा काम करेंगे. होपफुली मिल भी जाएगा एक दो दिन में, क्योंकि बात हर जगह की हुई है. तो अब जा रहे हैं मैकडी में बर्गर खाएंगे, और बर्गर खाने के बाद फिर आपसे बात करते हैं. तो हमें मैकडॉनल्ड से $1 का बर्गर मिला है. 3.50 का था, पर 2.50 में डिस्काउंट मिल गया और $1 का बर्गर लिया आज हमने. तो आपके सामने फ्रूट है. और मैकडॉनल्ड्स का 300 यहाँ पर ये बंद है. मैं दिखाता हूँ आपको. वेट सभी बंद. हमारा ऑर्डर आ गया. ये देखो फाइनली $1 का बर्गर हमने ले लिया है. और अब यहाँ बैठ के खाते हैं कहीं पे, जगह देख लेते हैं कोई. तो गाइस फाइनली बर्गर वगैरह खा लिया है. ट्रेन लेके अपना हम पहुंच गए हैं स्प्रिंग हिल में. बहुत कंफ्यूजिंग नाम है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं. तो यहां पे अब क्वेस्ट के बाहर खड़े हैं, बस भैया की वेट कर रहा हूं. मे बी भैया यहीं से मुझे पिक कर लें, नहीं तो फिर ऊपर जाके वेट करके फिर पिक करेंगे. फ़ोन करूँगा उनको. तो बर्गर हमने खा लिया, आपने देखा होगा पीछे आया, तो बेनिफिट हो गया. 3:30 की 2:01 में मिल गई. और सीन कुछ गाइस ऐसा है कि Q&A जो मैंने शूट किया हुआ, शूट करना है मैंने, तो वहाँ पे आपने कमेंट्स आ गए हैं, अराउंड 25 तो हैं. तो देखूँगा मैं उन सब का रिप्लाई करूँगा, और जो मेरी वीडियोस के नीचे भी कमेंट है मैं उनका भी रिप्लाई करूँगा. और मे बी कल या आज रात को अगर मेरे को टाइम मिला तो जो भी पॉसिबिलिटी हुई दोनों में से एक दिन मैं बना के वीडियो पोस्ट कर दूँगा. और जो मेन बात मैंने आपसे करनी है वो ये है कि गाइस जो 491 16 नवंबर को लॉन्च होने वाला है, मतलब लॉन्च तो नहीं कह सकते, एक सब क्लास नहीं आने वाली है, तो उसमें गाइस बहुत सारे चेंजेस हैं. तो मेक श्योर आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी. और बेनिफिशियल इसलिए होगी गाइस क्योंकि नए जो एप्लीकेंट्स होंगे जो आ रहे हैं या फिर जिन्होंने आना है, कई बच्चों ने अभी तक ऑफ़र लेटर्स मंगवाई होंगी जो फेब्रुअरी इनटेक लिए हैं, तो उनको ऐसा है कि उनके लिए थोड़ी नॉलेज लेने के लिए बेनिफिशियल रहेगा. और जो आगे प्लान भी कर रहे हैं, जो मेरे भाई +2 में हैं, जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है उनके लिए, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को ध्यान से देखें और देखें क्या क्या चीज़ें हैं 491 की. और गाइज अगर आपके लिए आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो मेक श्योर आप वो Q&A वाले के नीचे कमेंट कर दें. और गाइज मेरे को पता है बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और मैं नहीं रिप्लाई कर पा रहा. आपको पता है बहुत बिजी स्केड्यूल था. अब मैं फ्री हो जाऊंगा थोड़ा सा, और फाइनली आपके लिए मैं एक ऊबर की वीडियो भी जल्दी लेके आऊंगा कि ऊबर कैसे करते हैं ये वो, क्योंकि होपफुली शुरू कर रहा हूं मैं. और जब शुरू हो जाएगी तब मैं आपके लिए फिर परफेक्टली फुल फ्लैज वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा. और मेक श्योर आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें वीडियो को. और एक गाइज और बात आपसे करना चाहूँगा कि जब आप किसी भी कंट्री का प्लान कर रहे हो कि हाँ अब मैंने बाहर जाना है, तो मेक श्योर गाइज आप अपने आप को मेंटली और फिज़िकली इतना स्टेबल बना लें कि अगर आपको यहाँ पे आके कोई भी काम मिल जाए, कैसा भी काम मिल जाए, आप वो कर सकें. क्योंकि गाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उन्हें पहले काम नहीं मिलता, 1-2 महीने बाद जब काम मिलता है तो उनकी बॉडी उस काम के लिए सूटेबल नहीं होती, या फिर वो फिज़िकली या फिर मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि उस काम को कर सकें. तो अगर आप बाहर आ रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि आप कम से कम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग तो हो, और थोड़ा सा मेंटली तो बंदे को प्रिपेयर, दोनों चीज़ें मतलब कि यू नो साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए. बट फिर भी थोड़ा सा अपने आप को इतना एबल बना लो कि आप अगर आपके आगे कोई भी काम रख दिया जाए तो आप इजीली उसे कर सकें. क्योंकि गाइस यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, और आते ही आपको वाइट कॉलर जॉब तो नहीं मिलने वाली, आपको छोटे काम से ही शुरू करना पड़ेगा और फिर स्टेप बाय स्टेप अपना जो भी है आपकी अपग्रेडेशन होगी.
तो मेक श्योर आप थोड़ा सा मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर होके आएँ, ये मैं आप सबको मैसेज देना चाहूँगा। बाकी गाइस आज की वीडियो में आपको मैं सिर्फ यही बताऊँगा कि बता ही दिया है कि क्या क्या आने वाला है, और मेक श्योर आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और आज का गाइस कुछ सीन ऐसा है, अब हमारे पास शाम को है शूट, और शूट करके फिर रात को घर पहुँचना है और देखते हैं क्या सीन है। पर व्लॉग मैं जल्दी ख़त्म कर दूँगा, मेक श्योर आई थिंक सो अभी या थोड़ी देर तक जब भी हुआ मैं ख़त्म कर दूँगा। और अभी राइट नाउ क्वेस्ट के बाहर खड़े हैं, बस अंदर जाने लगे हैं, थोड़ा सा टायर्ड भी हो गया, भूख भी लगी है, फिर से कुछ खा लेंगे, एक बर्गर से मेरा कुछ बना नहीं, तो मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस फाइनली एट द शूट, तो अंदर शूट चल रहा है, हम भूल गए थे कार्ड, तो हम वो लेने आए हैं। तो हमारे जो कार्ड हैं वो यहाँ पर पड़े होंगे, तो आपको हम बता दें कि जो शूट है वो आज ऐसा है कि बर्थडे पार्टी का शूट है, और अंदर आडी भैया काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं कर आया हूँ। तो कार्ड्स रखने बहुत मैंडेटरी होते हैं और ज़रूरी होते हैं, बिकॉज़ अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप वर्बली तो नहीं बताओगे, बट एक इम्पैक्ट डालने के लिए कार्ड्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सुबह आपको जैसे बताया था कि शूट है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो पहुँच क्या चुके हैं, काम भी कर लिया कितना सारा, तो अब बस देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और तो पार्टी अभी शुरू नहीं हुई है, केक वगैरह कट करेंगे, यू नो जो भी पार्टी में होता है, और उसके बाद फिर हम आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ी आपको फनी लगेगी मे बी, बट यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन। ये देखो गाइस, ये हमारी यहाँ पे कार लगी हुई है, तो ये देखो ये स्कूटी लगी है, मे बी आपको क्लैरिटी ना आए, बट ये देखो ये स्कूटी को प्रॉपर उतनी जगह दी गई है जितनी एक कार को दी जाती है। तो ये देखो ये यहाँ का कितना अच्छा लॉ है कि कुछ भी हो जाए, चाहे ये देखो मैं थोड़ा पीछे जाके दिखाता हूँ, ये देखो प्रॉपर पूरी लेन दी गई है उस स्कूटी को, तो इसको कहते हैं भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू नो। तो गाइस फाइनली वी आर डन विद द शूट, एंड गेस व्हाट, पान मिला है पान। तो आज जिनकी कैटरिंग थी तो उन्होंने पान वगैरह भी लगाए हुए थे, तो पान लेके आए हैं, और भैया भी दोनों बहुत टायर्ड हैं, सुबह 4-4 बजे के उठे हुए हैं, मेरा पेपर था, इनकी शिफ्ट थी, और फाइनली वी आर डन विद द डे, और शूट भी अच्छा हो गया, बहुत सुंदर हो गया, अच्छा नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को लगा नहीं था कि इतनी अच्छी डेकोरेशन और इतना बढ़िया हॉल होगा, बट सब कुछ अच्छा हो गया फाइनली, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर होम। आज भैया की तरफ रुकेंगे और फिर कल शूट है, कल का जो गाइस व्लॉग है वो बहुत ऑसम है, लाइक क्रूज पार्टी है, तो मेक श्योर आप चैनल के साथ जुड़े रहे और ज़रूर देखिए। तो तब तक लिए गाइस गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी सेफ एक्सप्लोरर्स।